यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लालगढ़ से भाजपा उम्मीदवार संजय सिंह के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। लालगढ़ कॉमर्स कॉलेज में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने संजय को गरीब का बेटा बताया और कहा कि लालगढ़ से कई बाहुबली और धनबली चुनाव लड़ रहे हैं जो जातीय आधार पर समाज का बंटवारा करना चाहते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उन्हें अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी और नीतीश ने बिहार का विकास किया है और जनता इस बात को भली भांति जानती है। योगी ने इस दौरान राम मंदिर से लेकर धारा 370 और 3 तलाक की भी चर्चा की। उन्होंने मंच से पाकिस्तान को भी चेताया, साथ ही संजय को वोट देकर बिहार के विकास में लोगों को भागीदार बनने की भी अपील की। यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं कि संजय कुमार सिंह को एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में इसलिए उतारा है जिससे वे आपके सुख दुख में सहभागी बनकर के लालगंज विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए चिंता मत करिए किसी और की। जो नौजवान आपके बीच काम कर सके उसी को सहयोग करना है। और ये बाबरी और ये माफिया जो आ रहे हैं ना, आप देखना उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इनकी छाती में बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। इनकी अवैध कमाई को जब्त करना शुरू कर दिया है। बिहार में भी बहुत बड़े बड़े माफिया और अपराधी जेल के अंदर सड़ रहे हैं, ये लोग भी सभी सड़ेंगे। आप इंतजार करिए बस, केवल अच्छे प्रत्याशियों को चुनाव जिता करके भेजिए। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के जितने भी प्रत्याशी इस जनपद में चुनाव लड़ रहे हैं, इन सब के समर्थन में अपील करने के लिए मैं विशेष रूप से लालगंज में आया हूं। आप सबसे अपील है, संजय कुमार सिंह जी को कमल चुनाव चिन्ह पर 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में भारी मतों से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए पानी को देता विराम। चाहूंगा कि दल बदल लोगों को दल बदलने दीजिए।